I welcome our chief guest, Sri Maninda Bittaji, to preside over the function and glory to the event. Please make an applause for our chief guest, Maninder Singh Bittaji. Jai Jai Bhim Ji. Baba Sahib Ambedkar. Hindustan ko अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाने वाले, हिंदुस्तान का संविधान बनाने वाले, हिंदुस्तान को देश को आजाद कराने वाले, बाबा साहब अंबेडकर की सोच पे चलने वाले जगन मूर्ति जी, दलितों के लीडर, जिनका ये प्रेम, जिनका ये प्यार दलित भाइयों का, गरीबों का देख करके नजर आता है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के चलने वाले। हमें फख्र है इस भारत माँ के ऊपर जिसने सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों को इस मातृभूमि पे जन्म दिया और हमारे भारत को आजाद कराया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस हिंदुस्तान का संविधान कानून ना बनाते तो आज कभी राष्ट्र एक ना होता। आज अगर देश है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून और संविधान के बनाने के कारण ही आज राष्ट्र एक है। मूर्ति जी के बड़े भाई जो एक जबाज एडवोकेट थे, जिन्होंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे चलते हुए मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी याद, उनके काम मूर्ति जी पूरा कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के उस कौम की पहचान, एक अलग हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर पहचान है। कभी भी अपने आप को हम कभी छोटा नहीं समझना, याद रखना, कभी भी नहीं समझना। आज अगर आप लोग ना होते, आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज हमारा राष्ट्र कभी मजबूत ना होता। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी, बाबा साहब अम्बेडकर का फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ना, उनका इतिहास आज हमारे राष्ट्र को मजबूत करता है। शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में आपने सुना होगा। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव एक क्रांतिकारी थे, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच के थे। जब पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका जाता है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पर बम किसी को मारने के लिए नहीं, बम अंग्रेजों को, इस देश को छोड़ने के लिए, मातृभूमि को आजाद कराने के लिए और हिंदुस्तान के युवाओं को जगाने के लिए वो बम फेंकते हैं। फ्रीडम मूवमेंट से जुड़े हुए, जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया था। गिरफ्तार करके, उम्र होती है 22 साल, जब गिरफ्तार करके लाहौर की जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके उनको दोस्त मिलने आते हैं, भगत सिंह को पूछते हैं
आपकी शादी कब होगी? भगत सिंह हंसते हंसते कहते हैं, अगर इस भारत माता की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी, मेरे साथ शहीद हो चुके वो मेरे साथी होंगे। जब शहीद आजम भगत सिंह आखिरी समय पे फांसी के रस्से को चूमने जाते हैं, राजगुरु सुखदेव के साथ जो उनकी कोठरी होती है उसकी सफाई करने वाले, उनका नाम होता है बोर सिंह। भगत सिंह उनको बार बार कहते हैं, मैं आपके हाथ का खाना खाना चाहता हूं। एक मेरी वो मां जिसने मुझे पेट से जन्म दिया, एक तू मेरी मां बेबे मां जो मेरी सेवा करते हो। बोर सिंह भगत सिंह को कहते हैं, तू ऊंची जात का है, मैं अपने हाथों से खाना बना के तुम्हें नहीं खिला सकता। भगत सिंह कहते हैं, तू मेरी मां है, मैं तेरे हाथों से खाना खाना चाहता हूं। जब आखिरी समय पे भगत सिंह फांसी के रस्ते पे चढ़ने जाते हैं तो बोर सिंह को कहते हैं, जो खाना नहीं खिलाने के लिए तैयार होते, मेरी आखिरी इच्छा को पूरी कर दे। कहते बोर सिंह कहते, कौन सी इच्छा? बस मुझे अपने हाथों से खाना खिला दे। और बोर सिंह रोते हैं, कहता तुम्हें कैसी मां ने जन्म दिया होगा। और बोर सिंह अपने हाथों से फांसी के फंदे को चढ़ने से पहले खाना खिला के भगत सिंह की वो ख्वाहिश को पूरा करते हैं। कभी भी अपने आप को भगत सिंह को याद रखते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर को याद रखते हुए जिन्होंने राष्ट्र को आजाद किया, जिन्होंने एक हिंदुस्तान का इतिहास बनाया, कभी किसी से कमजोर और छोटा नहीं समझना। यही भगत सिंह, यही बाबा साहब अम्बेडकर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबसे ऊंची जात, सबसे ऊंचा मजहब, बाबा साहब अम्बेडकर आप हैं। आप जो इस मातृभूमि को सुंदर बनाते हैं, जो इस मातृभूमि को खून से सजी हुई ये भारत की धरती, जहां महाराणा प्रताप, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, जहां गुरु गोविंद सिंह, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने इस धरती पे जन्म दिया, उस धरती को अगर सुंदर बनाने वाले हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के सब अपने लोग जो इस धरती को सुंदर बनाया। आज हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की सोच को चलते हुए कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई सेंटर के मिनिस्टर, हमें पूरा मान सम्मान आज पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को मिलता है। उनका नाम इतिहास के सुनहरी लखरों पे लिखा गया है। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर जो हो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देनी है, बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा करना है। बच्चे जब भी बड़े होंगे बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे चलते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को आगे बढ़ाते हुए इस हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े पदों के ऊपर को आईपीएस बनेगा, को आईएएस बनेगा, को चीफ सेक्रेटरी बनेगा, को अच्छा कानून मंत्री बनेगा, लॉ मिनिस्टर बनेगा। हमें अपने बच्चों को आज से एक अच्छी शिक्षा देनी है बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए। हम आपसे वादा करते हैं, हमारा जीवन बम्बों गोलियों से 14 बार हमलों से बोनस का है। हम बार बार मरे फिर जन्म लिया, हम बोनस की जिंदगी पे हैं। हम हमेशा उन देश के खिलाफ शक्तियों को,
जो पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ना चाहती थी, जो पंजाब में खालिस्तान बनाना चाहती थी, जो पंजाब के खालिस्तानी पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, हमने बार बार उनको चैलेंज किया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी का देश, ये सुभाष चंद्र बोस का देश, ये शहीद आजम भगत सिंह जी का देश, ये राष्ट्र एक रहेगा, इस भारत को कभी टूटने नहीं देंगे, भारत एक है, एक रहेगा। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने दिया, ना कभी बनने देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे पहरा देते हुए। कश्मीर के अंदर 370 धारा कोई हटा नहीं पाया। बाबा साहब अम्बेडकर का कानून और संविधान और कश्मीर का संविधान और कानून और झंडा अलग था। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने आकर के पहला काम किया, सरदार पटेल और बाबा साहब अम्बेडकर का एक कानून, एक संविधान, एक तिरंगा, एक जनगणमन, जो बाबा साहब अम्बेडकर सरदार पटेल जी का संविधान कानून था। 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके, वहां 370 धारा हटा करके बाबा साहब अम्बेडकर का कानून और संविधान जो अलग था, हिंदुस्तान एक कर दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी नरेंद्र मोदी ने। आज मैं मूर्ति जी के जन्मदिन के ऊपर आपसे वादा करके जाता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे चलते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून और संविधान की सोच पे चलते हुए, बार बार जीवन दिया फिर देंगे, मौत का कफन बांधा है, पर बाबा साहब अम्बेडकर के कानून और संविधान जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, उसको मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। अगर अपना जीवन भी देना पड़े बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे पहरा देने के लिए, मैं अपने जीवन को उनके चरणों में कुर्बान करूंगा। और मैं मूर्ति जी को और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप इस क्रांति के, इस आंदोलन के, बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच पे पहरा देते हुए, आज मुझे यकीन है कि मूर्ति जी अपने बड़े भाई की तरह, जो इस क्रांति को बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका साथ एक दूसरे को रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे चलते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय भीम जी, जय बाबा अम्बेडकर जी, वंदे मातरम, जय हिंद।